देखो बच्चे एडी एडिया सलवारा टंग के जाते रहे, पर तेरे बच्चे इतों लंघन, तेन तकलीफ ना आवे, तेन शर्म ना आती। यू कैन लुक दैट, ये एक दरिया का और समंदर का समा पेश कर रहा है। बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने नमाज पढ़ने जाना होता है, वो क्या करें इधर, देखें ना आप। दस दफा हमने चक्कर लगाया, वो एक गाड़ी लाते हैं, पानी निकाल के चले जाते हैं, उस दिन पानी नहीं होता, अगले दिन फिर पानी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइखर राना और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, मैं इस टाइम फिरोजपुर रोड लेस्को वासा के बिल्कुल साथ वाली गली में मौजूद हूं। ये रोड आप देख सकते हैं किस तरह से ख़राब हुई पड़ी है और यहां पे कितने ही दिनों से इसी तरह से पानी खड़ा हुआ है। 15 साल हो गए हैं ये रोड ठीक नहीं हो सकी। इन्होंने जो यहाँ के शहरी हैं उन्होंने बहुत दफ़ा दरख्वास्त की, लोग आते हैं पानी निकालते हैं और चले जाते हैं, इसका कोई हल प्रॉपर हल नहीं निकल पा रहा। तो यहाँ पे जो मौजूद शहरी हैं उनसे जानते हैं उनको किस तरह की मुश्किलात यहाँ पर उठानी पड़ती हैं और यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि ये रोड इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है तो ट्रैफिक है, उनका गुजरना भी मुश्किल हुआ है और जहाँ जो रिहायशी हैं उनका गुजरना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके लिए किस तरह से मुश्किल खड़ी होती है। तो आइए मेरे साथ चलिए। मेरी दरख्वास्त है ये कि ऐ देखो कि शहबाज शरीफ साहब इछरा है मेन इछरा, एक मिनट तुसी पाकिस्तान के बहुत आला वजीर आला सी, लिहाजा तुसी ते कोई नहीं रहे, हुन नकवी साहब आ गए ने हैं, वो भी मीडिया देने, लिहाजा देखो ना इछरा मेन स्टाप हैगा, आ मेन फिरोजपुर रोड है ते इत्थे बच्चे एडी एडिया सलवारा टंग के जाते रहे, वो तेरे बच्चे इतों लंघन, तैनू तकलीफ ना आवे, तैनू शर्म ना आती, हैं तैनू गैरत नहीं आती, गरीबा के बच्चे इतों लंघते ने हैं, वो बेचारे दो दो दिन स्कूल नहीं जाते, फीस एड्डी लम्मी, अगले फीस अगले ने ले लेनी, प्राइवेट भी तो सरकारी वाले ने भी, वो कोई जा कर वोट लैन भरी तो फटाफट आ मैनू दे दौ, सारे मामे वोट मंगन भरी साढ़े को आ जाते हैं, वो खुदा का खौफ करो, गरीबों के बारे सोचो। नकवी साहब ने बड़े काम किए हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ये भी हल करे मसला हमारा। नकवी साहब ने कोई काम नहीं किए, स्वाए इश्तहार लाने तो उन्होंने इश्तहार ला तो कोई वाला वा कने काम नहीं किए, इतों जाओ कैंची तकर सारा काम है, कैंची तकर फिरोजपुर रोड से उन्होंने तस्वीर ही लगियां ने, सोए तस्वीर तो उन्होंने कोई काम कोई नहीं, कोई काम हों तो दसो आ बारिश के बच्चे किड़ा किड़ा पानी खड़ोता है, एडा एडा पानी खड़ोता है। गौसिया पारे की रिजवान स्ट्रीट है, ये देखें मेन के साथ बिल्कुल कितनी टच है, चौड़ी है ये, इसका जो साइड है ना ये पत्थर मार्केट को भी जाती है, रमानपुर में भी जाती है। यू कैन लुक दैट, ये एक दरिया का और समंदर का समा पेश कर रहा है, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने भी जाते हैं, वो कैसे इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये देखें ये गटर बंद हो गए, तीन दिन हो गए बारिश हुई हुई और ये देखें जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पानी खड़ा ही है। कई दफ़ा इसको कंप्लेन की है, आज भी मैं दो दफ़ा बंदे बुलवा के लेके आया हूँ कि यार इसको डू समथिंग फॉर दैट, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं कोई भी करता, वो कहता जी हमारे पास गाड़ी नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है। इस गलियों के इसके साथ साथ गलियों में देखें उसमें भी पानी खड़े हैं, बिल्कुल रिहायशी इलाका, यहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं, तो घर वाले किस तरह से गुजरते होंगे? घर वाले बेचारे मजबूर होते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, इन वासा महकमे को गालियाँ निकालते हैं, बददुआएं देते हैं, क्या करें, वो बेचारी छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, हमारी माँ बहनें होती हैं, बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने नमाज पढ़ने जाना होता है, वो क्या करें इधर, देखें ना आप। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम गलियों से कैसे निकलते हैं, गाड़ी के पीछे से अगर आपका कैमरा दिखाया जाए और गली की कवरेज करे, गली में देखे पानी कितना खड़ा है, ये इतना पानी यहाँ तक पानी होता है, ये इक्वल हो जाता है ऐसे, और तीन दिन ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी बारिश होती है तब 15 साल से सर्वाइव हो रहा है ये काम। और मियां नुमान साहब थे हमारे पहले MP है, उन्होंने कुछ काम किया था, ये सड़क उन्होंने बनाई है 15 साल पहले, उसके बाद 15 साल में कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ इस पूरे इलाके में, जो भी आता है शफकत महमूद साहब थे, अब अब्दुल क्या नाम था, हारून क्या, अब रशीद साहब जो भी थे, उनके फंड्स क्लैप्स हो गए, हमें नहीं पता। या अगर आप रात को आए तो यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, कहीं पे भी अंधेरा ही है, हर किसी ने अगर किसी ने रखा हुआ तो उन्होंने अपनी अपनी दीवारों के आगे खुद अपना सेल्फ सर्विस करके बल्ब लगाई हुई हैं। अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये गली में भी पानी खड़ा है कि गाड़ी यहाँ से गाड़ी के पीछे से हम गुजरते हैं। यू कैन गो देयर, आप क्या कहेंगे इस पर, आप यहीं पे इस गली में रहते हैं? जी मैं इसी गली में ही रहता हूँ, तो जब बारिश होती है ना हम तो घर जाते ही नहीं हैं, अगर बाहर हैं तो, अगर घर हैं तो बाहर नहीं आ सकते। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये हमारे मसले का हल करें, इसके बारे कोई सोचें,
हम तो जो ये नगराम जीरे आला हम तो कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ से भी अच्छा है, लेकिन हमारी तरफ देखते ही नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि उनको किस तरह की मुश्किलात उठानी पड़ती हैं और ये रोड जो है वो कब से इसी तरह से ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रोड तकरीबन 2 साल से इस तरह ही है, ये आपका कैमरामैन दिखाए, ये सारा पानी है, हमारी कोई दुकानदारी नहीं हो रही और जो भी कस्टमर आता है वो जो है ना पानी दे के वो बाहर से गुजर जाता है और हमें किराए निकालने हमारे मुश्किल हो गए हैं और खुद भी हम जो है ना ये देखें पाँव गंदे हो रहे हैं, अब इस गंदगी में क्लाइंट कैसे आएगा। तो हम इस वजह से जो है ना रोड की वजह से बहुत परेशान हैं और हमारी अपील है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि इसका कोई सज्जवाब किया जाए, इसका कोई जो हल निकाला जाए। आपने कोई दरख्वास्त करवाई कि आवासा की हो कि यहाँ के रोड जो है वो साफ़ किया जाए? रोज़ हम वासा पे पूरी हम मार्केट इकट्ठी हो गए वासा के ऑफिस की, वहाँ पर वासा के ऑफिस बंदा ही कोई नहीं होता, जो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा हमने चक्कर लगाया, फिर एक गाड़ी लाते हैं पानी निकाल के चले जाते हैं, उस दिन पानी नहीं होता, अगले दिन फिर पानी आ जाता। डेली का हमारा काम है वासा के दफ्तर में जाने और वासा का दफ्तर भी पास ही है। आपने यहाँ पे रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी कि कितने तैश में वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे जो मोहल्ले में इस कदर परेशानी है इस पानी की वजह से, सारी रोड ख़राब हुई पड़ी है और इतना गलीज पानी है कि आपको बता नहीं सकते, गुजरना मुश्किल हुआ हुआ है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो घरों के आगे लाइटनिंग भी नहीं है कि रात को यहाँ से कोई बच्चा नहीं गुजर सकता, कोई आम शहरी नहीं गुजर सकता। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।